नवंबर से असम में सरकारी मदरसे बंद। मजहबी तालीम पर असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का बड़ा बयान, कहा सरकारी पैसे पर नहीं पढ़ाई जा सकती कुरान। हाथरस केस में पीड़िता के तीन भाइयों से होगी पूछताछ, सीबीआई ने पूछताछ करने के लिए पीड़िता के तीनों भाइयों को समन भेजा। हाथरस केस की जांच में तेजी, पीड़िता के पिता और दो भाई सीबीआई दफ्तर पहुंचे, हाथरस केस को लेकर होगी पूछताछ। समाजवादी पार्टी के सुनील साजन का योगी सरकार पर हमला, कहा योगी राज रावण राज से भी खराब। हाथरस केस में पीएफआई के चार संदिग्धों से पूछताछ करने मथुरा जेल पहुंची ईडी की टीम, चारों संदिग्धों पर जाति हिंसा भड़काने की साजिश का आरोप। साइबर अटैक भी हो सकता है महाराष्ट्र में बिजली संकट की वजह, बिजली मंत्री नितिन राउत का बयान, साइबर ऑडिट भी कराया जा सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव में कश्मीरी आतंकी वाले बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार, कहा एजेंडे से भटकाने की कोशिश, बेरोजगारी के आतंक पर क्या कहेंगे नित्यानंद राय। बिहार में राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव ने नामांकन दाखिल किया, बीजेपी के सतीश यादव से होगा मुकाबला, 2015 में इसी सीट से तेजस्वी को मिली थी जीत। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी का बड़ा बयान, कहा बिहार में कोरोना अब कोई मुद्दा नहीं। सुशांत केस में कुछ चैनल्स की कवरेज को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट आज सुना सकता है फैसला, 8 अधिकारियों ने मुंबई पुलिस की छवि खराब करने को लेकर दाखिल की याचिका। हैदराबाद में तेज बारिश के बाद बड़ा हादसा, मोहम्मदिया इलाके में 10 घरों पर गिरी दीवार, हादसे में 9 लोगों की मौत, मुंबई में भी ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में फिर दिखने लगी धुएं की चादर, 8 महीने में सबसे निचले स्तर पर हवा की गुणवत्ता, आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 306 पर पहुंचा। रिहाई के बाद बोली महबूबा मुफ्ती, नहीं भूलेंगे वो काले दिन, जारी रहेगा कश्मीर का संघर्ष, उमर अब्दुल्ला ने किया रिहाई का स्वागत। यूपी के प्रतापगढ़ में छेड़खानी से परेशान छात्रा ने खुदकुशी की, गांव के कुएं में कूद कर दी जान, गांव के ही 3 दबंगों पर आरोप। यूपी के आगरा में नाबालिग लड़की से रेप, परिवार वालों ने पैसे देकर मामले को रफा दफा करने का आरोप लगाया, आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज, पुलिस ने आरोपियों को जल्द पकड़ने का भरोसा दिया। गाजियाबाद में युवती के साथ हैवानियत, 2 युवकों पर रेप का आरोप, 4 महीने पहले बंदूक की नोक पर हुई थी हैवानियत, लड़की की तबीयत खराब होने के बाद परिवार वाले अस्पताल पहुंचे। आगरा में 2 युवकों के बीच हुई मारपीट, तमाशबीन लोग बनाते रहे मारपीट का वीडियो, सोशल मीडिया में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के चित्रकूट में नाबालिग से रेप के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, डीएम ने मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया, नाबालिग ने फांसी लगाकर दी थी जान। यूपी में बढ़ते अपराध से सीएम योगी आदित्यनाथ चिंतित, जिला प्रशासन को कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। यूपी के झांसी में पुलिसकर्मियों ने थाने में महिला की पिटाई की, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार, चोरी की बाइक, अवैध बंदूक और जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के फिरोजाबाद में अफसर का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ, तहसीलदार के खिलाफ नोटिस जारी, 20 दिन पुराना वीडियो बताया जा रहा है। यूपी के प्रतापगढ़ में महिला सिपाही से सरेआम लूट, हथियार के दम पर 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। यूपी के वाराणसी में छात्राओं ने बनाया स्मार्ट चाकू, स्मार्ट चाकू के जरिए 3 नंबरों पर एक साथ कॉल हो सकता है। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक पिकअप वैन में अचानक से आग लग गई, ड्राइवर की बाल बाल बची जान, स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। यूपी के प्रयागराज में तेज रफ्तार बेकाबू होकर कार नहर में गिर गई, सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, 1 महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, हिस्ट्री शीटर मुस्तकीम गिरफ्तार, 1 बदमाश मौके से फरार। यूपी के फिरोजाबाद में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में भारी बारिश से नुकसान, अब तक 12 लोगों की गई जान, कई निचले इलाकों में भरा पानी। बिहार में चुनाव से पहले वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की पहल, पटना शहर में दिव्यांगों ने निकाली जागरूकता रैली। यूपी के गाजियाबाद में 4 महीने पहले हुए दुष्कर्म का खुलासा, गर्भवती होने के बाद परिवार को पीड़िता ने बताई आपकी। दिल्ली के मॉडल टाउन में तेज रफ्तार कार ने ली 2 मासूम बहनों की जान, हादसे के बाद मौके से फरार हुआ आरोपी। यूपी के प्रयागराज में मोबाइल चोर की बेरहमी से पिटाई की गई, 5 युवकों ने मिलकर आरोपी को डंडों से पीटा। यूपी के अंबेटा में छेड़छाड़ के आरोपी की सरेआम पिटाई हुई, अंबेटा चौकी से महज 1 किलोमीटर दूर घटी घटना, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। टू तलाक की भाषा से मुंबई ट्रैफिक पुलिस की तौबा, बच्चा हो या बड़ा सबको कहेंगे सर या मैडम। त्योहारों के मौसम में रेलवे चलाएगी स्पेशल फेस्टिव ट्रेन, 392 स्पेशल ट्रेनों को मिली मंजूरी।
मुंबई के वेस्टर्न रेलवे रूट पर बढ़ेगी लोकल ट्रेनों की संख्या। 15 अक्टूबर से 194 फेरे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। डीएमआरसी ने मेट्रो में भीड़ को कम करने के लिए शुरू किया ऑनलाइन सर्वे। सर्वे के नतीजे तय करेंगे परिचालन की नई दिशा। नवरात्रों में माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी। अब रोजाना 7,000 श्रद्धालु कर सकेंगे माता वैष्णो देवी के दर्शन। आगरा से बीजेपी के सांसद एसपी सिंह बघेल ने ताजमहल को लेकर उठाई मांग। पर्यटकों के लिए रात 11 बजे तक खोला जाए ताजमहल। आईपीएल 13 में चेन्नई ने हैदराबाद से लिया सबसे बुरी हार का बदला। 20 रन से हारे सनराइजर्स हैदराबाद। तमिलनाडु के आरंगूर में धोनी के फैन ने घर को सीएसके की थीम पर रंगा। घर का नाम रखा होम ऑफ धोनी पार। स्टार फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो कोरोना पॉजिटिव हुए। 14 दिन के लिए किए गए क्वारंटीन। नहीं खेल पाएंगे नेशंस लीग मैच। एप्पल ने मार्केट में लॉन्च किया आईफोन 12 के 4 मॉडल्स। आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12, आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12 प्रो मैक्स को लॉन्च किया गया है। 7 महीने के बाद कोलकाता में खुला सिनेमा हॉल। 50% की क्षमता के साथ इन्हें खुला गया। मुंबई के थाने में मनाया गया हिस्ट्री शीटर का जन्मदिन। पुलिस कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश। महाराष्ट्र के सोलापुर में मौजूद प्रसिद्ध सिद्धेश्वर मंदिर में भरा पानी। पिछले 5 दिनों से लगातार हो रही है बारिश। न्यू मेक्सिको के सेंटा फे में विवादित स्मारक को प्रदर्शनकारियों ने पहुंचाया नुकसान। पुलिस ने 2 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया।